क्या आप जानते हैं एक इंसान की सोच, उसका मन उससे क्या कुछ नहीं करवा सकता, अच्छे से अच्छा भी और बुरे से बुरा भी। एक बार जब किसी चीज की सनक दिमाग में उतर जाती है तो सही क्या है, गलत क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति अंदर से चली जाती है। एक ऐसी वारदात जिसकी घटनाओं ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई इस तरह से भी पूरे परिवार का नाश कर सकता है? वो हर रोज उस परिवार को तड़पते हुए देखता था, फिर भी उसके अंदर कोई दया नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं दिव्या अरोड़ा एंड शर्मा फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली के सेंट्रल हिस्से में बसे एक छोटी सी पॉश कॉलोनी इंद्रपुरी से। यहाँ पर एक घर था जिसमें शर्मा फैमिली रहा करती थी। घर के मुखिया थे देवेंद्र मोहन शर्मा, इनकी पत्नी थी अनीता शर्मा, इनकी दो बेटियां भी थीं, बड़ी बेटी दिव्या अरोड़ा शर्मा और छोटी बेटी प्रियंका शर्मा। इनके फैमिली के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देवेंद्र शर्मा अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। तीनों भाई मिलकर एक कंपनी चलाते थे, लॉर्ड्स होम्योपैथिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें होम्योपैथिक दवाइयां बनाई जाती हैं। देवेंद्र अपनी फैमिली के साथ घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की तो शादी हो चुकी थी, तो ये कभी अपने मायके इंद्रपुरी में रहती तो कभी अपने ससुराल ग्रेटर कैलाश फेज वन में रहती। ग्रेटर कैलाश भी दिल्ली में एक पॉश इलाका है। ये बात है 2021 के शुरुआती महीने की। छोटी बेटी प्रियंका भी लंदन के बेस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करके घर लौटी थी और अपने पिता के ऑफिस में उनको असिस्ट करती थी। सब कुछ सही था, घर में किसी भी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं थी, अच्छे खासे पैसे रुपए प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ था, खुशहाल फैमिली थी। अब डेट आता है 1 फरवरी 2021 का, मंडे का दिन था। छोटी बेटी प्रियंका शर्मा सुबह में अपने पिता के ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी अचानक से इसके पैर में दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इतना बड़ा कि प्रियंका ऑफिस जा नहीं पाती है। इसने अपने पिता को कॉल करके कहा कि पैर में दर्द हो रहा है, ऑफिस नहीं आएगी। पिता ने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा लो और आराम करो। जैसे जैसे समय बीतने लगा प्रियंका की तबीयत और खराब होने लगी, पैर का दर्द बढ़ने लगा, इसको वॉमिटिंग होने लगी, पेट में दर्द शुरू हो गया, वीकनेस होने लगा, पैरों में जैसे झंझनाहट बढ़ने लगी, सुन्न पड़ने लगा। 2 फरवरी के दिन पिता बेटी को लेकर अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे जो कि मोतीनगर में था। प्रियंका ठीक से चल नहीं पा रही थी, एक पैर घसीट कर चलना पड़ रहा था। हॉस्पिटल में विटामिन B12 और विटामिन D की जांच हुई। पैरों का अल्ट्रासाउंड भी होता है, कहीं कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हो गया जिस वजह से पैर सुन्न हो गए। सारे टेस्ट कराने के बाद पिता और बेटी घर आ जाते हैं। अब इंतजार था तो मेडिकल रिपोर्ट्स के आने का, मगर प्रियंका तो इंतजार की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी दिक्कतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, हालत खराब होती जा रही थी, अब तो ये ठीक से चल भी नहीं सकती थी। वहीं इसके मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन प्रियंका की हालत को देखते हुए पिता इन्हें 3 फरवरी के दिन दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल BLK Max सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। डॉक्टर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि प्रियंका को हुआ क्या। यहां पर भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, अंदरूनी अंगों जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, साथ ही साथ पूरी बॉडी का चेकअप किया गया, मगर प्रियंका की रिपोर्ट में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं निकलता है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं आई। डॉक्टर्स को तो साफ साफ दिख रहा था कि प्रियंका की हालत खराब है, पैरों में भीषण दर्द है, सुन्न पड़ गया है, वॉमिटिंग, पेट दर्द, बाल भी झड़ने लगे थे। सिम्टम्स तो सामने थे, मगर बीमारी क्या है पता नहीं चल पा रहा था। अब चूंकि बीमारी का पता ही नहीं तो ट्रीटमेंट किस बेसिस पर हो। प्रियंका की कंडीशन गंभीर थी तो डॉक्टर्स इसको BLK हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। बीमारी का पता नहीं लेकिन इलाज शुरू हुआ। फिर 12 दिन के बाद यानी 15 फरवरी के दिन प्रियंका की मृत्यु हो जाती है। एक हस्ती खेलती लड़की जो पूरी तरह से तंदुरुस्त थी, जिसको पास में किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, 15 दिनों के अंदर ही उसका तबीयत खराब हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन घर वालों को इसमें कोई अजीब लगता नहीं है, सोचा कि तबीयत खराब थी जिस वजह से मृत्यु हो गई। घर वाले इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। एक ऐसी 27 साल की बेटी जिसकी जल्दी ही शादी हो जाती, वो इस दुनिया से चली गई। घर में दुख का मातम पसरा हुआ था। प्रियंका की 10वीं की जाती है, जैसे 13वीं होती है 13 दिन पर, वैसे ही 10वीं होती है 10वें दिन पर। अब इसके 10वीं के अगले दिन से पिता देवेंद्र शर्मा और इनकी पत्नी अनीता, इनकी भी तबीयत खराब होने लगी। इन्हें भी प्रियंका के जैसे पैरों में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग, डायरिया, शरीर में कमजोरी, सब कुछ शुरू हो गया। पिता देवेंद्र को तो ये सारी चीजें कम थीं, लेकिन माँ अनीता को ज्यादा थीं। इसी बीच 4 मार्च के दिन देवेंद्र को उनकी बड़ी बेटी दिव्या के पति यानी दामाद से खबर मिलती है कि दिव्या की भी तबीयत खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही पिता और घबरा गए, एक बेटी तो चली गई, अब दूसरी बेटी को क्या हो गया। पिता फौरन ही भागकर बड़ी बेटी दिव्या के ससुराल पहुंचे। अगर दिव्या के ससुराल के बारे में बात करें तो दिव्या के पति का नाम था वरुण अरोड़ा, ये एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। वरुण और दिव्या के जुड़वा बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की,
जिनकी उम्र लगभग 4 साल थी। वरुण के घर में इसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, जिया अरोड़ा, और पिता चंदेरलाल के तो पिछले साल यानी 2020 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यहाँ 4 मार्च के दिन दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। इसको वेंटिलेटर पर रखते हैं। यहाँ 5 मार्च तक दिव्या कोमा में चली गई। इधर माँ अनिता की भी इतनी हालत खराब हो गई कि इनको भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पिता देवेंद्र की भी हालत खराब थी मगर वो संभले हुए थे। इसी बीच शर्मा फैमिली के घर में काम करने वाली मेड उसको भी इसी तरह के सिम्टम्स दिखने लगे, जैसे कि पहले छोटी बेटी प्रियंका को हुए, फिर उसकी माँ अनिता को, फिर बड़ी बेटी दिव्या को। देवेंद्र के शरीर में भी ऐसे सिम्टम्स थे, इनके भी बाल झड़ने लगे थे। इनका इलाज भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में शुरू हुआ। घर की मेड भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसकी भी हालत गंभीर हो गई थी। मतलब एक बेटी जिस अनजान बीमारी से पहले खत्म हो गई, वही बीमारी माता पिता, बड़ी बेटी और घर की मेड सबको हो गया। आखिर इस परिवार में चल क्या रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी परिवार के लोग, रिश्तेदार इनकी हालत को देखकर परेशान थे। यहाँ पिता और मेड धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं, मगर बड़ी बेटी कोमा में थी और माँ अनिता जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे जिन्हें ऐसे सेम तरह के सिम्टम्स एक ही परिवार के 3 लोगों में देखकर अजीब लगता है। इनके दिमाग में आया कि क्यों ना तीनों के ब्लड का हैवी मेटल टेस्ट किया जाए। अब 14 मार्च 2021 के दिन ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट्स में जो रिजल्ट आया उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इन सभी के अंदर थैलियम सल्फेट नामक एक हैवी मेटल कंपाउंड पाया गया। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सफ़ेद रंग के पाउडर जैसा होता है। ये टेस्टलेस यानी स्वादहीन और ओडोरलेस यानी गंधहीन होता है। जब डॉक्टर्स के सामने थैलियम सल्फेट की बात आई तभी दिमाग में आता है कि इसके ही प्रभाव से पैरों का सुन्न होना, वीकनेस, बाल झड़ना, वॉमिटिंग ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी बेटी दिव्या की रिपोर्ट में थैलियम सल्फेट की मात्रा 7800 यूनिट से ऊपर आया, वहीं माँ अनिता की रिपोर्ट में 4000 यूनिट के आसपास आया, जबकि इसकी मात्रा तो 2 यूनिट से कम होनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये कंपाउंड माँ बेटी के बॉडी में कितने हजार गुना था। वहीं पिता की बॉडी में कम मात्रा मिली जिस वजह से ये रिकवर हो रहे थे। आखिर इस तरह का हैवी मेटल कंपाउंड परिवार कैसे कंज्यूम कर सकता है, कहां से ऐसी चीज़ आएगी? ये तो नॉर्मली किसी मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने इसको बेचने पर बैन लगा रखा है, कोई भी आम इंसान इसे खरीद नहीं सकता। बस केवल कंपनी सी इसे खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं। उसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इस परिवार का जरूर कोई दुश्मन है जो कि इन्हें टारगेट कर रहा है, कोई परिवार के अंदर का ही होगा। ये चीज़ भी सामने आई जो कि देवेंद्र शर्मा और इनके भाइयों की फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो कहीं उस कंपनी में इस परिवार का कोई दुश्मन तो नहीं? देवेंद्र शर्मा ने परिवार की मेडिकल रिपोर्ट अपने एक दोस्त को भी भेजी जो कि अमेरिका में डॉक्टर थे। फ्रेंड ने बताया कि ऐसा कंपाउंड किसी सब्जी, पानी, दाल या अन्य कोई खाने पीने की वस्तुएं या चीज़ें उनसे बॉडी में नहीं बन सकती, नहीं आ सकती। इसे जरूर अलग से ही परिवार को किसी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया होगा। दोस्त की बातें सुनकर देवेंद्र शर्मा थोड़ा सोचने पर मजबूर हुए, ये सोचना शुरू भी कर देते हैं। घर में अनहोनियों की शुरुआत 1 फरवरी से हुई थी, जिस दिन छोटी बेटी प्रियंका के पैर में दर्द होना शुरू हुआ। उससे पहले ही परिवार ने कुछ कंज्यूम किया होगा। आखिर वो क्या हो सकता है, देवेंद्र ने यही सोचना शुरू किया। प्रियंका की तबीयत खराब होने से ठीक 1 दिन पहले दामाद यानी दिव्या के पति वरुण अरोड़ा इनके घर पर आए थे। एक चीज थी कि इस आदमी का अपने ससुराल वालों से यानी दिव्या के माता पिता से अच्छे संबंध नहीं थे। 31 जनवरी 2021 की तारीख थी, संडे का दिन था। इन दिनों दिव्या अपने बच्चों के साथ मायके में थी। दोपहर में 3 बजे के आसपास वरुण अपने ससुराल आता है, साथ में एक बड़े से टिफिन बॉक्स में फिश करी बनाकर लाया था। ससुराल वाले वरुण को यहाँ पर देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं कि ये आदमी तो यहाँ पर आता नहीं है। दिव्या को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, जिसके बाद उसके पिता उसको लिवाने जाते हैं, लेकिन आज ये कैसे घर पर आ गया? वरुण ने आते ही कहा कि इसने अपने हाथों से आप सबके लिए फिश करी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टेस्ट कीजिए। अब चूंकि ये दोपहर के 3 बजे का टाइम था, आमतौर पर इस वक्त तक लोगों का लंच हो चुका होता है। संडे भी था तो देवेंद्र घर पर थे, सबने ऑलरेडी लंच कर लिए थे, लेकिन वरुण जोर देता है कि आप इस फिश करी को टेस्ट कीजिए, उसको खाइए। हालांकि इसकी अपने सास ससुर से बनती नहीं थी, लेकिन आज इसका ऐसा बदला हुआ रूप देखकर, प्यार भरा रूप देखकर सबको हैरानी भी होती है और खुशी भी हुई कि चलो अब सब कुछ ठीक होगा, दामाद का व्यवहार अब परिवर्तित हो रहा है। उस वक्त घर पर छोटी बेटी प्रियंका नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बाहर गई हुई थी। यहाँ घर पर दिव्या, दोनों जुड़वा बच्चे, सास अनिता और ससुर देवेंद्र ही थे। वरुण के काफी इंसिस्ट करने पर सभी फिश करी खाने को मान जाते हैं। इसके बाद वरुण ने खुद सबको फिश करी सर्व किया, घर के मेड को भी थोड़ा देता है। बच्चों को इसने फिश नहीं खिलाया, कहा कि ये दूध पीते हैं। ससुर ने दामाद से कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर थोड़ा टेस्ट कीजिए। इस पर वरुण ने जवाब दिया कि इसके जबड़े में दर्द है, ये एक लाफ्टर शो में गया था जहां पर हंसते हंसते इसके गर्दन की नस खिंच गई है,
ये खा नहीं पाएगा। ये कहते हुए वरुण ने और फिश करी टिफिन से निकाल कर सबको दी। इसने पूछा कि प्रियंका कहाँ पर है। पता चला कि वो घर पर नहीं है, दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई है। फिर वरुण बकायदा अपनी साली प्रियंका के घर लौटने का वेट करता है ताकि उसको भी फिश करी खिला सके। शाम के 5:30 बजे के आसपास वो घर आती है। वरुण ने प्रियंका से उसके आते ही कहा कि उसने अपने हाथों से फिश करी बनाई है, तुम एक बार टेस्ट करो। उस वक्त प्रियंका को मन नहीं था तो वो मना कर देती है। अभी भी वरुण वहीं पर रुका रहता है जब तक इसकी साली भी फिश करी खा नहीं लेती। शाम के 6:30 बजे के आसपास प्रियंका किचन में जाती है और कुछ खाने को ढूंढती है। तभी वरुण ने कहा कि तुम फिश करी खाओ। फिर इसने 2 बड़े-बड़े मछली के पीसेस निकालकर उसको दिए। मतलब ये आदमी जब तक सबको फिश करी खिला नहीं लिया तब तक इसको चैन नहीं मिला। मगर दोनों बच्चों को इसने फिश करी नहीं खिलाया था और खुद भी नहीं खाया था। परिवार वाले कहते कि बच्चों को भी टेस्ट करा दो, तुम भी टेस्ट करो, मगर वरुण मना कर देता है। इसके बाद रात में 8:30 बजे के आसपास वरुण अपनी पत्नी दिव्या और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर ग्रेटर कैलाश चला गया। करंट टाइम में जब पिता ने 31 जनवरी के इस घटना के बारे में सोचा तो इन्हें अपने दामाद वरुण पर शक जाता है। एक तो उसका अपने ससुराल वालों से रिश्ता ठीक नहीं था, उसने बदले हुए अंदाज से सबको फिश करी खिलाया। शायद फिश करी में ही उसने थैलियम सल्फेट मिलाया हो। प्रियंका ने फिश के 2 बड़े पीसेस खाए थे, यानी सबसे ज्यादा खाया था, इसीलिए इसकी तबीयत सबसे पहले और अगले ही दिन खराब हुई। जिस हिसाब से सभी ने फिश खाया था उसी हिसाब से सबकी तबीयत खराब होती है। आगे 20-21 मार्च के बीच माँ अनिता शर्मा की भी मृत्यु हो गई। अब चूंकि इनकी मृत्यु थैलियम सल्फेट नामक एक जहर से हुई थी तो हॉस्पिटल वालों ने 22 मार्च तक पुलिस को सूचना दे दी। पिता देवेंद्र को भी अपने दामाद पर शक होने लगा था तो इन्होंने भी इंद्रपुरी थाने में 23 मार्च को दामाद वरुण के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराया। अनिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में मृत्यु का कारण थैलियम सल्फेट बताया गया। 24 मार्च को इंद्रपुरी की पुलिस दामाद वरुण अरोड़ा के घर पर जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है। इसी बीच वरुण ने भी थैलियम सल्फेट कंज्यूम कर लिया था जिस वजह से इसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि इसने बहुत कम मात्रा कंज्यूम किया था जिस वजह से इसकी हालत स्टेबल थी। हालांकि ये करीब 15 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। इसी बीच पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। वरुण के घर की तलाशी के दौरान इसका एक लैपटॉप और फोन बरामद होता है, साथ ही साथ एक शीशे की बोतल में थैलियम सल्फेट भी पाया गया। वहीं फॉरेंसिक टीम को शर्मा फैमिली के घर में भी थैलियम सल्फेट के ट्रेसेस मिले। वरुण ने अपने फोन और लैपटॉप की गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट कर रखी थी, मगर पुलिस उसको आसानी से रिकवर कर लेती है। उसमें मिला कि वरुण ने थैलियम सल्फेट के बारे में काफी रिसर्च किए थे। इसके घर से इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की एक किताब भी मिली जिसमें पता चला कि सद्दाम हुसैन भी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए थैलियम सल्फेट का यूज करता था, क्योंकि थैलियम एक स्लो पॉइजन है। चूंकि वरुण तो हॉस्पिटल में एडमिट था तो पुलिस इससे पूछताछ कैसे करे। दिमाग में यह भी सवाल आया कि इसने उस कंपाउंड का इंतजाम कहां से किया होगा। वरुण अरोड़ा और इसकी माँ जिया अरोड़ा की बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन से थैलियम सल्फेट का ट्रेल पकड़ा जाता है। हरियाणा के पंचकुला में एक कंपनी है, फार्मा अफिलियट्स एनालिटिक्स एंड सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड। वरुण के ससुर यानी देवेंद्र शर्मा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी तो थी ही, उसी का फायदा उठाकर वरुण ने एक फर्जी तरीके से डिमांड तैयार किया कि इसको एक दवाई बनाने के लिए 10 ग्राम थैलियम सल्फेट की जरूरत है। 18 दिसंबर 2020 को यानी फिश करी खिलाने के लगभग 42 दिन पहले वरुण वो थैलियम सल्फेट हरियाणा बेस्ड कंपनी से परचेस कर लेता है। इसका प्राइस था 22,131 रुपये। इसका पेमेंट वरुण ने अपनी माँ के बैंक अकाउंट जो कि कोटक महिंद्रा में था उससे IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू कराया था। माँ का बैंक अकाउंट बेटे वरुण के मोबाइल नंबर से लिंक था। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि वरुण ने उस कंपाउंड की डिलीवरी अपने मामा के घर जो कि गुरुग्राम के DLA फेज 1 में था वहाँ पर ली थी। वरुण ने वहाँ के वॉचमैन टीटू को पहले निर्देश दे दिए थे। DTDC का कुरियर बॉय पार्सल लेकर आया और वॉचमैन टीटू को दे दिया। 10 ग्राम थैलियम सल्फेट खरीदा गया 18 दिसंबर 2020 को, फिर दोबारा 10 ग्राम लिया गया 8 फरवरी 2021 को। इस वाले की पेमेंट भी 22,131 रुपये थी। वरुण ने कैश निकाला और अपने मामा के वॉचमैन टीटू को दे दिया। फिर टीटू एक मनी ट्रांसफर शॉप पर जाकर उस पैसे को फार्मा अफिलिएट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। शॉप ओनर का नाम था मार्शल। पुलिस इसको भी उठाकर पूछताछ करती है, टीटू से भी पूछा गया, साथ ही साथ कुरियर डिलीवरी करने वाले से भी बात हुआ। वरुण एक बार फिर से यानी तीसरी बार थैलियम सल्फेट मंगाता है उसी कंपनी से, इस बार 5 ग्राम। वो ऑर्डर हुआ 1 मार्च 2021 के दिन। इसका पेमेंट था 13,440 रुपये जिसको वरुण ने अपने माँ के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए। ऐसे करके वरुण ने करीब 25 ग्राम थैलियम सल्फेट खरीदे थे। धीरे धीरे जब वरुण स्टेबल हुआ तो इससे अच्छे से पूछताछ किया जाता है। शुरू में तो ये सारी चीज़ों से मना करता रहा, मगर पुलिस ने तो इसकी सारी हिस्ट्री निकाल ली थी। वरुण के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद इसने उस वारदात और उसके पीछे की वजह बताई। बात कुछ यूं है कि इंद्रपुरी में रहने वाली दिव्या शर्मा की शादी 2009 में ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से होती है। जहाँ एक तरफ लड़की के पिता फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे, वहीं लड़के के पिता रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। दोनों ही परिवार काफ़ी संपन्न और समृद्ध थे। शादी तो हो गई, सब कुछ ठीक था,
धीरे धीरे समय के साथ घर में कमी महसूस होने लगती है। वो थी बच्चों की किलकारियां। अभी तक वरुण और दिव्या के बच्चे नहीं हुए थे। दिव्या के पिता के अनुसार ससुराल वाले इसी वजह से ही बेटी को मानसिक रूप से तनाव देने लगे थे। वरुण भी गुस्सैल टाइप का था, वो भी अपनी पत्नी पर गुस्सा करता था। ऐसे करके दामाद का अपने ससुराल वालों से संबंध खराब हो गया। बच्चे की बात को लेकर दिव्या और वरुण एक दिन डॉक्टर से मिलते हैं। इन्हें पता चला IVF टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पति पत्नी इसके लिए राजी हो जाते हैं। आगे चलकर इसी IVF के जरिए शादी के लगभग 7 साल के बाद फोर्टिस ला फेमे हॉस्पिटल, जो कि ग्रेटर कैलाश के फेस सेकंड में था, वहां अगस्त 2016 को दिव्या को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब घर में जो कमी थी वो पूरी हो गई। हालांकि दिव्या की जो सास थी जिया अरोड़ा, वो इन बच्चों को नहीं मानती थी क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक रहता है। आगे फरवरी 2020 में वरुण के पिताजी चंदेरलाल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के कुछ ही महीनों के बाद पता चला कि दिव्या गर्भवती है, यानी अब तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। मतलब घर में एक बार फिर से खुशियां आएंगी। इस बार बच्चा प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला था। पति और सास भी बहुत खुश थे। इसी बीच वरुण और उसकी माँ जिया ने सोचा कि पिता की मौत के बाद ही ये खुशी सुनने को मिली, कहीं वो वरुण के बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले तो नहीं। डॉक्टर से चेकअप कराने पर जो बच्चे की डिलीवरी डेट सामने आई वो चंदेरलाल की जन्म तिथि थी, यानी जिस दिन दादा पैदा हुए उसी दिन उनके पोते का भी जन्म होगा। ये सुनकर वरुण और जिया का विश्वास और बढ़ा कि चंदेरलाल का पुनर्जन्म होने वाला है। वो फिर से इस दुनिया में आएंगे अपने बेटे के रूप में। इसी दौरान दिव्या की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। वरुण इसे लेकर डॉक्टर के पास गया। इस बार डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा है, कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए बच्चे को गिराना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। अब ऑलरेडी इनके पास जुड़वा बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के पैदा होने में माँ की जान को खतरा है, तो इसका डिसीजन क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी जारी रखें या अबॉर्ट कर दें। हालांकि ये फैसला उतना आसान नहीं था, लेकिन बच्चा गिराने की बात हो जाती है। दिव्या के मायके वाले और रिश्तेदार वगैरह भी राजी थे, मगर बच्चा गिराने की बात सुनते ही वरुण और जिया भड़क जाते हैं। उनके मन में था कि पिताजी का पुनर्जन्म होने वाला है, उनको कैसे मार दें। ये दोनों ही बच्चा गिराने के खिलाफ थे, भले ही दिव्या की जान क्यों न चली जाए। इस बात को लेकर सास और पति बहू पर काफी गुस्सा भी होते हैं, खूब खरी खोटी सुनाया, हाथ भी उठाते हैं। फिर आगे चलकर दिव्या अपने सास और पति को बिना बताए मायके वालों की मदद से बच्चा गिरा देती है, अबॉर्ट करा देती है। जब मायके वालों की इस हरकत के बारे में ससुराल वालों को पता चला तो बहुत गुस्सा होते हैं। पिता के पुनर्जन्म को इन्होंने छीन लिया। वरुण को इससे बहुत ठेस पहुंचता है। इसी बात का बदला लेने के लिए वरुण ने अपनी पत्नी और उसके परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। पहले तो मोटिव आया कि मायके के लोग दामाद की इज्जत नहीं करते थे, उसको नीचा दिखाते थे, क्योंकि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक से चलता नहीं था, ये बिजनेस कर नहीं पा रहा था, कहते कि ये किसी के लायक नहीं है। वैसे वरुण ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ा रखे थे, जिससे हर महीने करीब 4 लाख रुपए की आमदनी होती थी, किराया आता था। मतलब अगर ये चुपचाप घर में बैठे भी रहे तभी ये किरायेदारों से 4 लाख रुपए कमा लेगा, और ये भी था कि कोई दामाद को नीचा क्यों दिखाएगा। खैर, बच्चा गिराने की बात को लेकर वरुण ने सोच लिया कि अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ेगा। अब ये रिसर्च करना शुरू करता है। इसी बीच ही इसको सद्दाम हुसैन के किस्सों के बारे में पता चला, जिसमें वो थैलियम सल्फेट का यूज करके दुश्मनों को मारता था। पहले वरुण ने कुछ और केमिकल्स के बारे में रिसर्च किए थे, लेकिन वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, मगर इसे स्लो पॉइजन चाहिए था ताकि किसी को शक ना हो। किसको याद रहता है कि पिछले महीने क्या खाया था, क्या पिया था। कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद थैलियम सल्फेट के बारे में इसको पता चलता है। 31 जनवरी 2021 का दिन आया। पत्नी और दोनों बच्चे नानी के घर गए हुए थे। वरुण ने एक रेस्टो से बासा फिश ऑर्डर किया, उसको घर पर कुक करता है, पकाता है। पकाने के बाद उसमें सारा थैलियम सल्फेट मिला दिया। उस वक्त इसके पास बस 10 ग्राम ही थैलियम सल्फेट थे। पूरा जहर इसने फिश करी में मिला दिया और अपने ससुराल इंद्रपुरी लेकर गया और सबको खिलाया। जब घर में पहली मौत यानी प्रियंका की मौत हुई तो पोस्टमार्टम उसका नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम किसी को भी अजीब नहीं लगा था। मगर जब दूसरी मौत हुई यानी अनीता की, तो उनका पोस्टमार्टम होता है। 5 माह से कोमा में रहने के बाद 8 अप्रैल की रात दिव्या की भी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में वरुण के खिलाफ चार्जशीट सबमिट किया। शर्मा फैमिली की तरफ से कोर्ट में पेटिशन डाला गया कि केस में वरुण अरोड़ा के साथ साथ उसकी माँ जिया भी जिम्मेदार है, वो भी शामिल है। उसने ही पिता के पुनर्जन्म को लेकर भड़काया था, उसके ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर थैलियम सल्फेट खरीदे गए थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि छोटी बेटी प्रियंका जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, यानी BLK हॉस्पिटल में, वहां पर उसका इलाज ठीक से किया नहीं गया था। डॉक्टर्स ने प्रियंका के रिपोर्ट में गलियन बर्रे सिंड्रोम के बारे में बताया और साथ में रेबीज बीमारी का भी मेंशन किया, जबकि प्रियंका को तो ना ही किसी कुत्ते ने और ना ही किसी और जानवर ने काटा था, फिर भी रेबीज का मेंशन क्यों किया गया? 2 डॉक्टर्स पर ऐसा इल्जाम लगा। हालांकि ये चीज कोर्ट में रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि प्रियंका का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चला था। मगर ये भी डिबेट हुआ कि जैसे सिम्टम्स अनीता और दिव्या को थे, वैसे ही प्रियंका को भी हुए थे, और 2 की मृत्यु का कारण तो थैलियम सल्फेट है, फिर प्रियंका के केस में क्यों नहीं मान सकते। साथ ही साथ पुलिस वालों पर भी सवाल उठे,
कि उनकी कस्टडी में रहते हुए वरुण कैसे थैलियम सल्फेट कंज्यूम कर सकता है, जबकि उसने जानबूझकर ऐसा लिया था ताकि वो भी इनोसेंट साबित हो जाए कि जैसे बाकी लोग बीमार पड़े वैसे ही ये भी है। हालांकि चूंकि इसे अपने जान का खतरा था तो इसने थोड़ा ही कंज्यूम किया था ताकि हल्का फुल्का ही असर पड़े। फिलहाल वरुण अरोड़ा दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है, लोअर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इस तरह से एक दामाद ने एक एक करके अपनी पत्नी, सास और साली का कत्ल कर दिया, साथ में ससुर और एक मेट का कत्ल करने की कोशिश की। ससुर और मेट फिलहाल नॉर्मल हो चुके हैं। इस वक्त दोनों जुड़वा बच्चे अपनी दादी के पास हैं। उनके नाना यानी देवेंद्र शर्मा ने कोर्ट से मांग की है कि बच्चों की कस्टडी इन्हें सौंपी जाए, क्योंकि बच्चों को उनकी दादी से खतरा है, वो नहीं मानते कि पोता पोती उनके हैं। अभी फिलहाल बच्चा किसके पास है इसकी कोई अपडेट नहीं। देखते हैं कि ये केस कोर्ट में कितने दिन चलेगा, शर्मा फैमिली को न्याय कब मिलेगा। वैसे शर्मा फैमिली के लोग वरुण को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।